हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ककड़ी और टमाटर की सब्जी। ककड़ी और टमाटर की सब्जी जो राजस्थान की डिश में से एक और डिश है, ये राजस्थान में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है और फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छी और हेल्दी होती है। इसके लिए मैंने ये एक पाव ककड़ी ली है, ये मैंने दो बड़े टमाटर काटे हैं, ये दो बड़े प्याज काटे हैं। फ्रेंड्स, जितने ज़्यादा प्याज और टमाटर इस सब्जी में होंगे ये सब्जी उतनी ही अच्छी बनेगी। ये मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है, कुछ मसाले लिए हैं। इधर मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल गरम करके रखा हुआ है। फ्रेंड्स, ये सब्जी सरसों के तेल में बहुत ही अच्छी बनती है। इसमें मैं डालूंगी एक चम्मच जीरा, अभी मैं इसमें डाल दूंगी हींग। फ्रेंड्स, ये सब्जी बनती भी बहुत जल्दी है और बहुत ही टेस्टी बनती है। अभी ये जीरा पक गया है, इसमें मैं डाल दूंगी प्याज जो मैंने काट के लिए थे बड़े, ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो प्याज हैं वो पक गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर और इनको मिक्स कर देंगे। बहुत ही जल्दी बनती है ये सब्जी। फिर हम डाल देंगे नमक, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। फिर एक बात नोटिस कीजिए, इस सब्जी में मसाला ज़्यादा होता है, इसलिए हम थोड़ा सा अक्सर मसाला डालेंगे इसमें। मसाला भी अच्छा होता है, तेल भी थोड़ा ज़्यादा लगता है इसमें, तभी यह सब्जी अच्छी बनती है। तो मैंने हल्दी और नमक डाल दिया है। ये थोड़ा सा टमाटर गले तब तक मैं इसको चलाते रहूँगी। ये देखिए हमारे टमाटर जो हैं वो थोड़े थोड़े गल गए हैं, हमें ज़्यादा नहीं गलाना है टमाटर को। अब हम इसमें डाल देंगे मिर्च, लाल मिर्च आप मसाले आप अपने स्वाद के अनुसार, पर इसमें मसाले थोड़े ज़्यादा डालने होते हैं तभी इस सब्जी का कलर और टेस्ट अच्छा होता है, इसलिए मैंने ये डाल दिए हैं मसाले। अब मैं इसको मिला दूंगी, ऐसे करके मैं इसको थोड़ी सी देर एक मिनट के लिए ऐसे मिलाते रहूँगी ताकि मसाला अच्छे से मिल जाए। ये पेंट जो मैंने लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट लिया था ये मैं इसमें डाल दूंगी और इसको भी इसके अंदर मिला दूंगी। अभी तो इसमें डाल दूंगी जो काकड़ी हमने ली थी काट के बारीक। फिर से एक चीज़ ध्यान रखना, काकड़ी को काटते वक्त चख लेना क्योंकि काकड़ी है वो कड़वी भी आती है। ये हमने मिक्स कर दी है। अब हम इसमें डाल देंगे पानी आधा कप और इसको ढक के पका देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में हमारी सब्जी है वो बनके तैयार हो जाएगी। अभी हम इसको ढक देंगे अच्छे से मिक्स करके। बहुत ही जल्दी बनती है सब्जी और बहुत ही टेस्टी होती है सब्जी। ये फ्रेंड्स, हम इसको ढक देंगे, ये हम इसको ढक देते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है सब्जी का। अभी हम इसको ढक के 5 मिनट के लिए पका देंगे। ये देखिए हमारी सब्जी जो है वो बनके तैयार हो गई है। 5 मिनट हो गए हैं और सब्जी बनके तैयार है बिल्कुल। देखिए टमाटर को मैंने बिल्कुल गलाया नहीं था तो टमाटर भी इसमें दिख रहे हैं। अब आप इस पे हरा धनिया, हरी प्याज कुछ भी डाल के आप सर्व कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी बनके तैयार है। अगर आपको ये मेरी सब्जी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ।